हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन डांसर रियल। मैं हूं आप सबकी पायल प्रजापति। और आप लोगों को ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। तो आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम देने वाले हैं भैया को गिफ्ट। मतलब हम लोग ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं ना कि भैया ने वो सोचा भी नहीं होगा। भैया को पता चल ही गया है कि हम लोग उनको सरप्राइज देने वाले हैं। और वो सरप्राइज क्या है वो तो है ना सिर्फ चार लोगों को पता है, भैया को छोड़ के हम सबको पता है। तो आज हम लोग देने वाले हैं भैया को, क्या देंगे बता दे पायल, बता दे। भैया को आजकल कुछ ज्यादा गिफ्ट नहीं मिल रहे। भैया को रिंग दिया, कैमरा दिया, और अब जो दे रहे वो भी दिया। तो बता देना क्या दे रहे हो। नहीं, वही तो नहीं बताना हमें, इसीलिए तो बोल रहे हो जो आज दे रहे वही दिया। तो बताने की क्या जरूरत थी मेरे सामने की सरप्राइज देने वाले हो। अब मुझे ना जब तक नहीं मिलेगा ना तब तक मतलब कुछ कुछ होता है होता रहेगा। ये होना चाहिए क्योंकि सरप्राइज फिर उसी को कहते हैं। अगर मैं बता दूंगी तो आपको फेक रिएक्शन मिलेगा ना। पर मैं दे दूंगा फेक रिएक्शन, मुझे बता दे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ना एकदम रियल बनाते हैं वीडियो, इसीलिए तो हम हैं अमन डांसर रियल। भैया का सरप्राइज लेने के लिए ना मैं और पापा जाने वाले हैं। और जब तक मैं आपको बता रही थी ना कि मैं और पापा जाने वाले हैं, तब तक पापा आ भी चुके हैं। सो गाइस, मैं और पापा जाएंगे और खुशबू नहीं जाएगी, क्योंकि खुशबू जो है उसका एग्जाम है, इसलिए वो नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो जाऊंगी, भले एग्जाम हो या कुछ भी हो मैं जाऊंगी गिफ्ट लेने। ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं जाऊंगी मम्मी। तो फिर तू मैं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाओगे। आज की वीडियो में मैं दिखूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, लास्ट में बहुत ही अच्छा रिएक्शन देना। मेरा ना कल तो कौन सा एग्जाम है। कौन सा? इंग्लिश का है। तो इजी चला जाएगा ना। हाँ, मुझे सब आता, लेटर लिखना आता, ऐसे लिखना आता, सब कुछ। अब हमारी खुशबू इंग्लिश में आपको कुछ बोल के बताएगी। बोल खुशबू। हम लोग 3 या 4 बजे है ना भैया का गिफ्ट लेने जाने वाले हैं। हो सकता है 4 या 5 भी बज जाए, क्योंकि वो पापा के ऊपर डिपेंड होता है कि पापा हमें कितने बजे लेके जाने वाले हैं। और अभी भी है ना खुशबू है ना अपना पढ़ाई नहीं कर रही है इंग्लिश की एग्जाम का। कुछ कहना चाहती है? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ ना कि मैं ना कर लूंगी, ठीक है? आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत होगी? नहीं, तू पढ़ नहीं रही है, सिर्फ बुक लेके बैठी हुई है। अरे यार, मैं थक गई हूँ। थक गई हूँ। गाइस, मुझे ना एक चीज खाने का मन हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या खाने का मन हो रहा है। सो मुझे खाने का मन हो रहा है ये फरेरो रोशर, बट मैं खा नहीं सकती क्योंकि है ना वो भैया का है। सो मैं क्या करूं, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और मुझे खाने का भी मन हो रहा है, बट मैं खा नहीं सकती क्योंकि वो भैया का है। भैया देख लो, मैंने नहीं खाया है, मैं खुशबू को दे रही हूँ, वो भी उसने बोला इसीलिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जल्दी दो, कल सुबह मुझे एग्जाम देने जाना है। ओहो, उससे पहले तू खा जाएगी, खा ले। तूने हाथ में ले लिया है, तेरे मुंह के पास भी है, लेकिन वो खा नहीं रही है। ओहो, क्या स्मेल है, अच्छी वाली। डर लग रहा है। खा ले अब खुशबू। खा लेती। एक बार में क्यों खाऊं, मजे मजे से खाऊंगी। इसमें मैं 20 bites तो लूंगी। इसका ऐसा ही चलता रहेगा। तो गाइस, मैं ना 5 मिनट के लिए ना अपने दोस्तों के साथ है ना बाहर गया था। तब तक मैंने क्या देखा फ्रिज में, ये लोग मेरा फरेरो रोशर खा गए हैं। ये लड़की क्या बोली आपको कि मैं नहीं खाऊंगी, खुशबू खा रही है, लेकिन खुशबू ने इससे ज्यादा है ना इसने खाया है। ये ना आप लोग के सामने बहुत सीधा बनती है, लेकिन ये ना बहुत ही मतलब टेढ़ी है, नटखट है। वो क्या बोलते हैं, शैतान बच्ची है ये। मतलब मैंने खा लिया तो कोई गुनाह कर लिया। यस, मेरे पैसे का है। पता है कितने का आता है? कितने का आता है? 650 का आता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिस दिन खुशबू है ना पढ़ाई करती है। तो खुशबू कितना बाकी है अभी बता दो। बस और 2 क्वेश्चन बाकी है, फिर सब हो जाएगा मेरा कंप्लीट। फिर क्या करेगी? फिर मैं देखूंगी मास्टर शेफ। इसका रोज का है, रोज 1 घंटा ना ये मास्टर शेफ देखती है ना। हाँ, तो मैं अपने फ्री टाइम में देखती हूँ, मेरे लिए तो पूरा टाइम ही फ्री है। आप लोगों की मम्मियाँ ना बहुत ही चिंता करती होगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पास होगा कि फेल होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मेरी मम्मी का है ना पूरा विपरीत है, एकदम आराम से ऐसे तकिया लेगी और ऐसे सो जाएगी, कोई चिंता ज नहीं, पूरा भरोसा है।
बच्चे पे भरोसा है कि बच्चे डर के मारे खुद ही पढ़ लेते हैं। जो सोच लो। फाइनली हम लोग जा रहे हैं भैया का सरप्राइज लेने के लिए। जाने वाले थे तो हम तीन जन, पापा, मैं और खुशबू, लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं खुशबू और मम्मी। पापा के ऊपर है ना, मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, पापा कहते हैं कि हमारे साथ चलना और उसके बाद पता नहीं उनको क्या काम आ जाता है और फिर मम्मी के साथ ही हम लोगों को जाना पड़ता है। जब पापा काम नहीं आते है ना, तब हमारी मम्मी ही काम आती है और आज भी हमारी मम्मी ही काम आई है हमें। मतलब अब हम जाने वाले हैं भैया का सरप्राइज लेने के लिए, वो भी ऑटो रिक्शा में। गाइस हम कब से वेट कर रहे हैं ऑटो का, बट ऑटो हमें मिल ही नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि ऑटो मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है ना कि जो हम भैया को गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो हमारे घर आना ही नहीं चाहता है ना दीदी। ये तो पक्की बात कही है तुमने। फाइनली हमें ऑटो रिक्शा मिल गई है ना दीदी। हाँ, अब हम लोगों को लग रहा है कि हमारा सरप्राइज है ना, हमारे पास आना चाहता है। सरप्राइज लेने तो हम लोग जा रहे थे, डर इस बात का था कि हमने पसंद किया हुआ सरप्राइज भैया को पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन कहते हैं ना, दिल से दी हुई चीज सबको पसंद ही आती है। हम शोरूम के बाहर तो आ गए, आप देख सकते हो मेरे पीछे होंडा का शोरूम है। तो गाइज मैं अब आपको बता देती हूँ कि हम क्या लेने आए। सो हम लेने आए हैं एक्टिवा। सो गाइज बुकिंग के टाइम पे ना दीदी, मम्मी और पापा आए थे, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सा एक्टिवा उन्होंने डिसाइड किया है भैया के लिए। सो देखते हैं, मैं और आप साथ में देखेंगे, ठीक है। वेट कर रहे हैं हमेशा की तरह। हाँ, उन्होंने बोला था कि वो हमारा वेट कर रहे हैं और इधर हम लोग उनका वेट कर रहे हैं और अभी तक वो नहीं आए पापा। अब लग रहा है कि चाबी है ना मम्मी ही लेगी और मम्मी ही पूजा कर लेगी तब पापा आएंगे। नहीं, पूजा तो मैं ही करूँगी। ये वाली एक्टिवा हमने भैया के लिए पसंद करी थी, ग्रे मैट कलर में। आप लोगों को पसंद आई ना, भैया को भी पसंद आएगा। पापा का वेट कर करके तो हम थक ही गए थे। फिर है ना, मम्मी ने पेमेंट कर दिया और खुशबू ने शुभ मुहूर्त देख के एक्टिवा की पूजा कर ली। सारी मेहनत करी हमने और एक्टिवा की चाबी लेने के लिए पापा आ गए। उनके फेस पे स्माइल तो देखो कितनी बड़ी है। और फिर हम गए भैया को सरप्राइज देने के लिए। पता नहीं गाइस, पायल, खुशबू, मम्मी, पापा है ना कहाँ पे गए हैं। मुझे लगता है ना वो सरप्राइज लेने नहीं गए, सरप्राइज है ना बनाने गए। मैं बार बार कॉल करके ना उन लोग को पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ गए हो, आप लोग कहाँ गए हो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे। सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि तू चुपचाप है ना बैठा रहे, अकेले रह नहीं सकता तू एक दो घंटे। लेकिन अब मैं क्या करूँ गाइस, अकेले रह रहे के बहुत ही बोर हो जाते। मैंने ना बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली, लेकिन अब मुझे ना कोई मेरे साथ बातचीत करे ना, ऐसा मुझे चाहिए अब। क्योंकि ना हम हमेशा साथ में रहते ना, इसलिए ना अकेले रह के ना फिर बहुत ही बोर लगता है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना बोला है कि अपना है ना फोन चार्ज रखना और जब हम आए ना तो अपना फोन चालू रखना। सो चार्ज में लगा देता हूं अपना फोन। गाइस फाइनली पायल, खुशबू जो है वो आ चुके हैं। वाओ पापा, आगे लगा दीजिए, आगे, इधर इधर लेके आए यार, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। दिखा तो भैया कैसा लग रहा है, देख। तेरे माथे पे बहुत बड़ा लग रहा है। थोड़ा अच्छा रिएक्शन दे दे, रो ले थोड़ा सा। सो गाइस बाहर है ना एक्टिवा की पूजा करनी है, तो हम लोग है ना आरती की थाली सजा रहे हैं। माला लाए? हाँ, माला भी लाए हैं, देखो ये बेग गुलाब वाला लाते हैं। अरे यार उतना मेरा बजट नहीं था, आपके एक्टिवा में सारे पैसे लग गए हमारे। हाँ। मम्मी बहुत अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। अच्छा, यस। यहाँ पे पायल और खुशबू ने जो है पूजा करने की थाली जो है वो सजा दी है। अब हम फाइनली जाते हैं बाहर और अपनी न्यू एक्टिवा की जो है वो पूजा करते हैं। हाँ। और इतना अच्छा इन लोग ने सरप्राइज दिया है, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। सो सॉरी, मेरे को जैसा रिएक्शन तुम लोग को देने के लिए आप सोच रहे होंगे वैसा मैंने नहीं दिया है। कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट में कभी कभी लोग ऐसा हो जाते हैं। वो सही बात है, जो अंदर से मतलब जैसा रिएक्शन था वैसे ही दिया है मैंने। हाँ, पास
5 मिनट बाद पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है मेरी जिंदगी में। वही तो, इतने दिनों से मैं ना ऑटो रिक्शा से बार बार जाता था ट्यूशन स्कूल, सो वही अब कल से मतलब मैं जाऊंगा ये पीवा लेके, इसलिए मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ। सो ये इसलिए कुछ भी अभी बोल रहा हूँ, कुछ सेंटेंस बैठ ही नहीं रहा फिर भी बोल रहा हूँ। कोई और कलर लाते, ये कलर क्यों लाए? अरे यार रेड कलर था और एक व्हाइट कलर था, तो व्हाइट कलर तो हमारे घर पे है ही और रेड कलर थोड़ा लड़कियों वाला लगता है, इसीलिए पापा ने बोला कि ग्रे ही कलर ले लेते हैं। चलेगा, अब आ गया तो चलेगा। हमारी चॉइस भी बहुत ही अच्छी है। देखो कितने खुश है, अब रिक्शा में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अब भैया रोज मुझे ना स्कूल छोड़ेगा और लेने आएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा परिवार मिलके मुझे इतनी जल्दी ये वाली मुझे खुशी दे देगा। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से हम लोग ये सारे पल जो है इतनी जल्दी जी पा रहे हैं। मेरे चेहरे पे तो खुशी है, लेकिन साथ साथ में मेरी बहनों और मेरे माँ बाप के चेहरे पे भी खुशी है। किस साइड चुनरी बांध? इधर कांच पे। कांच पे बांध दिए। मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है। महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो लक्ष्मी माता जी की जय। होप करता हूँ गाइस आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।